दस महाविद्याओं में काली प्रथम है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार देवताओं ने हिमालय पर जाकर महामाया का स्तवन किया। इस स्थान पर मतंग मुनि का आश्रम था। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तत्काल उनके श्री विग्रह से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली दिव्य महातेजस्विनी ने प्रकट होकर स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे गाढ़े काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। लगभग इसी से मिलती जुलती कथा श्री दुर्गा सप्तशती में भी है। शुंभ निशुंभ के उपद्रव से व्यथित देवताओं ने हिमालय पर देवी सूक्त से देवी को बार बार जब प्रणाम निवेदित किया, तब गौरी देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ और उनके अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया। वे ही काली नाम से विख्यात हुई। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। वास्तव में काली को ही नील रूपा होने से तारा भी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि वे सर्वदा मोक्ष देने वाली तारने वाली हैं, इसलिए तारा हैं। अनायास ही वे वाक प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए नील सरस्वती भी हैं। भयंकर विपत्तियों से रक्षण की कृपा प्रदान करती हैं, इसलिए वे उग्र तारिणी या उग्र तारा हैं। पूजा सर्व विपत्ति नाशन परा, सर्वार्थ सिद्धि प्रदा, विद्या बुद्धि विकास वैभव विभा, भव्येश्वरे भव्यदा, कल्याणी कुमुदालया भगवती, देवी जगद्व्यापिनी, काली काल विनाशिनी विजयते, काली मठस्था शिवा।